शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जैसे माँ बाप भाई बहन और चाचा ताऊ भतीजे ये सब रिश्ते जो है हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ अपने आप जुड़ जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद चूज करते हैं, दोस्ती का रिश्ता, वो हम चूज करते हैं कि नहीं मुझे इसे अपना दोस्त बनाना है, इसे अपनी दोस्त बनाना है। तो इसलिए जब बात दोस्ती की आती है तो हमेशा जिंदाबाद रहती है, और दोस्ती के लिए हम लोगों ने, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के लिए सेक्रीफाइस भी किया है, हेल्प भी की है, फ़ायदा भी लिया है, और हर इमोशन में दोस्त हमेशा साथ में रहते हैं। फैमिली कभी दूर होती है तो कहीं से आने में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमेशा एक फ़ोन पीछे होते हैं, बस आपने फ़ोन किया और आ गया। मेरा ड्यूअल किरदार है, मैं एक सनी प्ले कर रहा हूँ और एक सरदार प्ले कर रहा हूँ। जो सनी हूँ मैं रियल लाइफ में वैसा ही हूँ, जो बहुत ही सीधा साधा अच्छा लड़का है और माँ बाप का कहना मानता है और दोस्तों की हेल्प करता है, लेकिन जो सरदार है, जो दूसरा कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, वो बहुत टेढ़ा है, उसको बस अपने दोस्तों की मदद करनी है। उसके लिए अब वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसके लिए वो सही और गलत का वेट नहीं, दोनों करने में बहुत मजा आया क्योंकि दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से, और एक ही फिल्म में मुझे करने का मौका मिला तो आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा मेरी डुअल परफॉर्मेंस से। एक टाइम का खाना हम लोग साथ में खाते थे, जैसे अपने फैमिली में भी हम ट्राई टू भी मेंटेन के घर वालों के साथ मौका मिले खाना खाने का साथ में बैठ के, तो वहाँ प्यार बढ़ता है टेबल पे और क्रिएटिव डिस्कशंस होते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा याद रहेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर लॉट ऑफ प्रैंक्स वी यूज्ड टू प्ले, जितनी भी लड़कियाँ थी हमारी थोड़ा सा नाजुक थी, थोड़ी मोटी थी, तो हमने डरा देते थे, लेकिन मौका भी मिल रहा। 18 अक्टूबर को फिल्म आ रही है, और क्योंकि आप सबके भी दोस्त होंगे जिनकी आपने कभी ना कभी मदद की होगी, जिनसे आपने कभी ना कभी मदद ली होगी, तो उसी दोस्ती के जज्बे को जिंदा रखते हैं, दोस्ती में दबा देते हैं ये 18 तारीख।